अब जरा हम बात करते हैं, वापस आएंगे पाकिस्तान टीम की तरफ। लाला, आपसे मैं शुरुआत करूंगी। इस दो दिन में बहुत सारे स्टेटमेंट्स, बहुत सारे कमेंट्स आए, जितने हमारे सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स अलग अलग चैनल्स पे मौजूद हैं, उन्होंने बाबर आजम की कैप्टनसी के हवाले से बात की। और नॉट जस्ट बाबर आजम की कैप्टनसी के हवाले से बात की, पाकिस्तान को कौन, पाकिस्तान टीम को कौन कैप्टन करे, इसके भी सजेशंस दिए। अलग अलग सजेशंस हर किसी की तरफ से थे। और साथ ही साथ फिर बैकिंग के लिए, अगर मैं बाबर आजम की कैप्टनसी की बैकिंग की बात करूं, तो भारत से कपिल देव सर ने जो है वो उन्होंने कहा कि नहीं जी, उसको टाइम दें और वो इतना अच्छा बल्लेबाज है, और उन्होंने बैकिंग की बाबर की। मगर अलग अलग बहुत सारे सजेशंस आए लाला। सो सजेशंस की जब मैं बात करूं तो मैं आपकी तरफ जाऊंगी। खबरें अभी यही आ रही हैं कि लॉन्गर फॉर्मेट यानी टेस्ट और ODI का एक कप्तान होगा, तो T20 का एक अलग कप्तान होगा। लाला, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आप किस खिलाड़ी को पिक करेंगे, अगर आपने पिक करना है, या नहीं करेंगे पिक? सवेरा, अगर आप पूछ ही रही हैं तो देखिए, मैं क्योंकि बाबर माशाल्लाह से 3.5-4 साल से पाकिस्तान टीम की कप्तानी कर रहा था, और हम सबको बड़ी एक्सपेक्टेशन थी वाइड बॉल में कि वो इंशाल्लाह अच्छा डिलीवर करेगा। ज़रूरी नहीं है कि वो जितना बड़ा प्लेयर हो, हमारी ये ख्वाहिश थी कि वो कप्तान भी उतना ही बड़े जितना बड़ा प्लेयर हो। लेकिन यहाँ पे मैं, अगर मुझसे मशवरा लिया जाए, तो मैं तो यही कहूँगा कि बाबर को जो है वो आप रेड बॉल का कप्तान रहने दें। वनडे और T20 का जिसको भी बनाना है वो एक ही कप्तान होना चाहिए। और मेरी नज़र में, मैं इस वक्त अगर बात करूँ तो मोहम्मद रिजवान मुझे समझ आता है वनडे और T20 के लिए। ठीक है, और रेड बॉल आप कह रहे हैं मतलब टूर टू ऑस्ट्रेलिया बाबर को कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। मुशी भाई, कमिंग टूवर्ड्स यू। आई थिंक, मुझे लगता है कि हमें बहुत आराम से, तसल्ली से ये फैसले करना पड़ेगा। मैं भी पिछले काफ़ी दिनों से ये सोच रहा हूँ कि मैं अपनी ओपिनियन, अगर को मुझसे पूछे तो मैं क्या ओपिनियन दूँ। आई एम नॉट श्योर, टू बी ऑनेस्ट। मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता अभी कि क्या करना चाहिए। मुझे ये पता है कि इन्वेस्टमेंट 3-3.5 साल की उसके ऊपर हो चुकी है। आपको प्लेयर वही बनाना चाहिए कि जो तीनों फॉर्मेट खेले। हमारे कल्चर में दो कप्तान नहीं चल सकते, वरना ग्रुपबाजी हो जाएगी, वो बहुत खतरनाक हो जाती है। क्योंकि मैंने ये इंग्लैंड के सिस्टम में देखा है कि दो कोच बने थे तो दो ग्रुप बन गए थे, और ये इसका मुझे, मैंने अपनी आंखों से ये देखा है डेवलप होते। आई थिंक ये हमारे कल्चर में तो बिल्कुल सूटेबल नहीं है फिलहाल एट द मोमेंट। तो मुझे पर्सनल लगता है कि कप्तान जो भी हो, एक हो, और ऐसा प्लेयर हो जिसकी क्वेश्चन मार्क ना हो, जिसकी अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज मुशी भाई की एक बात को मैं वो यहाँ पे वो कर दूंगा। मुशी भाई, जो आप ग्रुप की बातें कर रहे हैं ना कि दो ग्रुप बन जाएंगे, ये ग्रुप किस वक्त बनते हैं? ये ग्रुप उस वक्त बनते हैं जब वीक मैनेजमेंट होती है, तब जाके ग्रुप बनते हैं। नहीं, बात तो ठीक है शायद। वो आपका बिल्कुल, हालांकि इंग्लैंड की सिस्टम बहुत तगड़ा है, आपको पता है, वहाँ की मैनेजमेंट भी तगड़ी होती है, डिसीजन मेकर होते हैं, और वो एक मिनट नहीं लगाते। पर वो है क्या कि हमारे कल्चर में ना वो ग्रुप पता नहीं चलने देते ना, दिलों में रख लेते हैं लोग ना, वो इंटेंट नहीं होता, बताते नहीं, दिल की बात नहीं बताते। गोरा तो फिर भी चलो एक दो दिन के बाद फ्रस्ट्रेशन में बता देता है कि नो, दिस इज द प्रॉब्लम वी हैव, यू नो, वी सॉर्ट इट आउट। वो हमारे ये नहीं है, मुझे ये लगता है, ये मेरी गलत, मैं अपना ओपिनियन है, गलत भी हो सकता हूँ। मुझे लगता है वी शुड बाय टाइम, बट जो भी कप्तान आए वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर हो, उसकी उसकी अपनी जगह के ऊपर क्वेश्चन मार्क ना आए, बस। नहीं भाई, वही तो कह रहा ना कि आई एम नॉट श्योर, आई हैव नो, और अभी ऑस्ट्रेलिया टेस्ट के लिए कुछ चेंजेस नहीं होनी चाहिए, बाबर शुड बी द कैप्टन। I think. At the moment, वो बाबर को ही कप्तान रहना चाहिए। और दूसरी बात, जिस तरह शहीन की बात है, शहीन ने 2 साल PSL में लाहौर कलंदर को जितवाया, रिजवान ने मुल्तान सुल्तान को बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करवा के दिखाई एज ए कैप्टन। वो दोनों की उनके ग्लिम्स नजर आए हैं, लीडरशिप के ग्लिम्स तो नजर आए हैं। बट कमिंग बैक अगेन, आपको शहीन शाह अफरीदी चाहिए कि कप्तान चाहिए? जिस तरह हम बाबर की बात करते हैं कि वो बल्लेबाज है, अगर शहीन को फिर हर मैच खेलना पड़ेगा, फिर तीनों फॉर्मेट में खेलना पड़ेगा अगर कप्तान बन गया, वो फिर शहीन के लिए अच्छा नहीं है। रिजवान के खुद क्वेश्चन मार्क आ जाता है कई दफा जगह। फिर वर्कलोड मैनेजमेंट भी, अगर शहीन कैप्टन बनता है टाइम कितना मुश्किल है, जिस तरीके से टाइम है, आप तसल्ली से जवाब। नहीं, मैं टाइम लूंगा, और अगर आप बीच में बोलेंगे तो फिर बात नहीं हो सकती। आप जवाब दे, आज मौका दे दीजिएगा, अगर देना है वरना फिर रहने दे। नहीं, आप दे दीजिए जवाब। मैं नहीं, अभी 3 मिनट में नहीं, आपको पूरा टाइम मिलेगा, आप अभी कंटिन्यू हो सकता है। मेरे 5-6 मिनट हो गए, 3 मिनट बहुत टाइम है। मुझे दिख रहा था वो जब आप बात कर रहे थे ना, बहुत होता है काशी को बोलने में, थोड़े 1 मिनट और भी करा लेंगे ना, पुलिस से क्या है, हम अब हमारा दिल कर रहा है कि सुने तो सही बोलें प्लीज। चलिए, मेरी गुजारिश है कि देखिए, मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ, 2007 की इसलिए मैं बात करता हूँ, 2007 में जब वर्ल्ड कप हमारे, उस समय बहुत जल्दी हुई,
एनजीबे को रिजाइन करना पड़ा, फिर हमने हादसाती कप्तान बनाया, ठीक है, फिर वो हादसाती कप्तान बनाने की वजह से टीम में काफ़ी लोगों के अंदर उम्मीद पैदा हो गई कि मैं भी कप्तान बन सकता हूँ, मैं भी बन सकता हूँ, तो उस वजह से टीम में बहुत सी मसाइल आए, टीम नीचे की तरफ जाए। अभी उधर लाला ने भी एक बात की, बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जब कप्तान लाला था तो उस वक्त इसको ज़रूरत थी तो किसी ने इसका साथ बैकिंग नहीं की। हाँ, तो उस वक्त लाला सीनियर प्लेयर था, परफॉर्म कर रहा था, लेकिन प्लेयर्स ने बैकिंग नहीं की, तो ये गलत है। अभी बाबर के साथ भी यही मसला हो रहा है। अभी टाइम है, देखें आप अपने प्लेयर के साथ उसका साथ दें इधर। हमें अपने कप्तान को बैक करनी है, और ये जो पीछे हुआ है ना, तो 2007 की मिसाल मैं इसीलिए देता हूँ। फिर अभी हम ये कह रहे हैं सरफराज के साथ जो हुआ है, ठीक है, सरफराज का मैंने चेक किया रिकॉर्ड, उसका बहुत अच्छा रिकॉर्ड था, बिल्कुल वो जीत रहा था, बिल्कुल था, उसकी बैटिंग का मसला था ना, पिछले नंबर पे आया था। उसको चेयरमैन बुलाते हैं अपने कमरे में, बात करते हैं, आप अपनी बैटिंग ठीक करें, आप अपना नंबर ऊपर लेके आए जहाँ खेल रहे थे, ये सब वो कहानी है, लगता है। अब मैंने इसे, अब मैंने इसीलिए कहा ना, मुझे बात तो करना है ना, मगर सरफराज की तो बिल्कुल स्टोरी अलग थी। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो आप उस वक्त कमेटी में जो थे उन्होंने उसको हटा दिया, ठीक है, हालांकि ये करते कि सरफराज को रहने देते, बाबर को साथ उसके नाइब कर देते, उसको ग्रूम करते, अब वही गलती दोबारा करने लगे हम, ये पाकिस्तान का नुकसान हो जाएगा। देखिए एक लड़का 2-3 साल से कर रहा है, ठीक है, अब उसको मैं अभी भी मैं कहता हूँ उस बाबर इसने भी गलतियाँ की हैं, ऐसी बात है कि नहीं गलतियाँ, हो सकता है इसने अपनी सिलेक्शन में अपना किया हो, डिसीजन कहीं गलत हुए हों ग्राउंड में, और चीज़ें बड़ी सी हुई होंगी, लाजिम बात हुई है तो लोग बात करें ना, तो इसको बेहतर किया जा सकता है। इसका हल ये नहीं कि उसको कप्तानी से उतार दें, ठीक है, एक अच्छा प्लेयर है, मुशी भाई ने कहा बहुत अच्छा प्लेयर है, आपके बड़ा प्लेयर है, देखिए खुदा न खास्ता उतरता है, कोई मेंटली अपसेट होता है, इसकी बैटिंग खराब हो जाए तो और पाकिस्तान का नुकसान है। एक ही बैट्समैन आपके टॉप क्लास बैट्समैन है वही है, तो उसको बुला के बात की जा सकती है, यार आप में ये चीज़ें हैं, इसको ठीक करें, हम आपको एक साल और दे रहे हैं ताकि आप देखते हैं, अगर आपकी नई चीज़ें ठीक हुई तो फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे। तो हमें ये मौका देना चाहिए उसको, इस तरह चीज़ें बेहतर होंगी। खराब देखिए अभी इसको करेंगे ना, फिर बहुत से कप्तान फिर जेन बना लेंगे, हम भी कप्तान बन सकते हैं, हम भी कप्तान बन। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया आज बड़ी टीमें क्यों हैं? उन्होंने पिछले 8-10-12 साल में सिर्फ 2 या 3 कप्तान बदले हैं, हमारे 8-10 कप्तान बदले गए हैं, बिल्कुल। तो इस तरह टीम में वो बात नहीं बनती, हमें इसको मौका देना चाहिए, देखिए मौका देना चाहिए। देखिए कंटिन्यूटी नहीं बनी ना यूसुफ, हमारे यहाँ आप इंडिया की मिसाल दे रहे हैं, धोनी जब तक कप्तान थे पता था सबको कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जो है वो दोनों में से कोई कंटेंडर है कैप्टनसी का। रोहित शर्मा विराट बने, फिर रोहित शर्मा बने, अभी भी पता है कि कंटेंडर हैं, केएल राहुल बन जाएंगे कैप्टन अगर रोहित हटेंगे कैप्टनसी से। सो हमने तो लेगेसी आगे बढ़ाई नहीं। इसलिए वो मैं बात वही कर रहा था, रिक्वेस्ट की थी कि आप बोलने नहीं देते, मैंने इसलिए आपसे कहा था मुझे बोलने देते, फिर आप जो मर्जी क्वेश्चन करें जी, मैं ये नहीं कह रहा मैं ठीक हूँ, नहीं मैं गलत हूँ, सही नहीं कहा, मेरी अपनी एक ओपिनियन है, मैं वो दे रहा हूँ। तो हमें ना अपने एक इसको भी बेहतर करना है, कप्तान को चलने दें, उसको मौका दें, फिर भी एक साल बाद अब देखें ना, बात T20 की कर रहे हैं लोग, T20 में तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया उसने, वो वर्ल्ड कप फाइनल खेला है। इसको डिस्कशन को मैं यहीं पे ब्रेक लगाती हूँ और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, नए अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज एंड पर्सपेक्टिव्स जरूरी हैं सुनना, जानना और अंडरस्टैंड करना। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर, वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल, और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे हम ब्रेक पर गए थे बिकॉज हम बात कर रहे हैं इस वक्त कि अलग अलग ऑप्शंस जो कैप्टन्स के बताए जा रहे हैं, वुड दैट बी अ राइट डिसीजन राइट नाउ? पैनिक बटन दबाना है नहीं दबाना, या फिर आगे सपोर्ट करना है? सपोर्ट मुझे लगता है वर्ड नहीं है, आगे ग्रूम करना है, क्या 3.5 साल पूरे थे या नहीं थे काफ़ी? ये बहुत सारी डिस्कशन हमारी हो रही है एंड एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आया मोहम्मद यूसुफ की तरफ से। क्या वो पर्सपेक्टिव था कि उन्होंने कहा कि अभी एक साल और दिया जाए और उस पर साथ एक, अब मैं कंटिन्यू करवाना चाहूँगी कि यूसुफ अपनी डिस्कशन को वहीं से करें, साथ बाकी कोई साथ उसके लगा दिया जाए जो आप बोर्ड समय, वैसे भी ये फैसला भी बोर्ड का है जी, हम लोग तो अपनी अपनी राय दे रहे हैं, तो बोर्ड की मर्जी है उसके साथ किसी ऐसे को लगा दें जो समझते हैं कि आगे ये चल के पाकिस्तान को सर्व कर सकता है। और दूसरी बात ये कि T20 की हो रही थी कि T20 हमारी क्रिकेट, T20 में तो फाइनल खेला है, एक पहली दफ़ा वर्ल्ड कप में आप इंडिया को मारा है, वो भी वो कप्तान था, उसका सेमीफाइनल खेला है, फिर 2022 के वर्ल्ड कप फाइनल खेला है, ट्रायंगुलर सीरीज उधर जीते हैं न्यूजीलैंड में, ये नहीं कि उधर मैं था या सकलैन थे,
मैं उस दिन गेंगुली ने भी कहा है, मैं अभी भी ये कहूँगा कि टी ट्वेंटी की परफॉर्मेंस को नहीं अकाउंट करना चाहिए, वो सिर्फ एक पैसा बनाने के एक तरीका है। मैं हालांकि उसमें मैं भी था, मैं हाँ? नहीं मानता उसको हाँ। लेकिन अगर ये बात टी ट्वेंटी की हो रही है, जैसे अभी 2009 का वर्ल्ड कप जीते, अगर लाला की दो इनिंग निकाल दें तो आप नहीं जीत सकते थे जी। वो एक्सेप्शनल लाला दो इनिंग से खेले, आप वर्ल्ड कप जीत गए हाँ। तो उस क्रिकेट को गेंगुली ने भी उस दिन कहा कि टी ट्वेंटी से मीडियोकर प्लेयर बनेंगे आप हाँ। बड़े प्लेयर नहीं बन सकते। हमारी जो मेन क्रिकेट है वो टेस्ट और वनडे है और फर्स्ट क्लास क्रिकेट है डोमेस्टिक में, उसको हमने प्रेस करना है। और अभी जो शोर डाल रहा है वो वाइट बॉल के डालना है, तो वाइट बॉल में एक जगह तो परफॉर्म किया हुआ उसने और नंबर वन टीम भी बनी है, चाहे वो एक दिन के लिए बनी या दो दिन के लिए बनी। ठीक है, वर्ल्ड कप में आप देखें 2015 में भी हम नहीं पहुंचे, 23 में भी नहीं पहुंचे, तो उस वक्त गलती की है। मैं कह रहा हूं कि सरफराज को हटाया ये गलत किया है, उसकी जो चीज़ें थी उसको सही करना था। अभी भी मैं ये कह रहा हूं कि बाबर से गलतियां हुई हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हम उसको हटा दें। ये बाबर के साथ ज्यादती नहीं है, ये कंट्री के साथ ज्यादती होगी। हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, जिस तरह देखें 2007 की मिसाल फिर दे रहा हूँ, उस वजह से नीचे जाते गए हैं। 7-8-10 कप्तान आ गए हैं, बड़ी टीमों के सिर्फ 2 या 3 कप्तान हैं 10-12 साल में। ठीक है, वो टीमें इसीलिए ग्रो की हैं। हमें भी थोड़ा सा अपने आप को मुसलसल एक जगह पे लेके चलना पड़ेगा, और जहाँ बेहतरी करनी है वो जरूर करनी चाहिए, वो हम सबको बात करनी चाहिए। आप चाहे बाबर हो, चाहे शहीन हो, चाहे कोई भी प्लेयर हो, अगर वो गलत कर रहे हैं हमें बताना चाहिए कि यार यहाँ गलत है, इसको बेहतर करें, और उसकी बेहतरी के लिए। अच्छा यूसुफ, ठीक है, मैं इस बात पे मैं भी बहुत हद तक अग्री करती हूँ कि यस, शुक्र है कि हमें टाइम देना चाहिए। मगर इनका इनका पैनिक बटन नहीं प्रेस करना चाहिए, दोनों यू सी द बोथ साइड ऑफ द कॉइन। यस, आज हम दोनों लग रहा अंडरस्टैंड किए हैं, पहले समझे क्यों। हाँ, आपने कहा जो पूछते हैं सवाल तो उठता है, वो रुकी है आज। अभी मैं आ रही हूँ, आगे सवाल उठेगा फिर। मैं बिल्कुल